हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेकअप डायरीज। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं, इतने दिनों से मैं बीमार रही हूँ तो मैं अपने स्किन की कुछ ज़्यादा केयर नहीं कर पाई, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइस एलोवेरा फेशियल। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, सबको पता है एलोवेरा में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, उसके अंदर विटामिन ई होता है, सी होता है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, और यू नो स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, पिंपल फ्री रखता है आपकी स्किन को, ब्लेमिशेस दूर करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ मैं जो एलोवेरा के बेनिफिट्स को और बढ़ा दें। तो एलोवेरा फेशियल में कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऐड करी हैं और वही ऐड करी हैं, उसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं लिए, तीन चार इंग्रेडिएंट्स हैं, वही यूज़ करके स्क्रब भी बनाएंगे, क्लेंजिंग मिल्क भी बनाएंगे, मास्क भी बनाएंगे, मसाज जेल भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी फेस पे कुछ नहीं है मेरे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप वन विच इज फेस क्लेंजिंग यूजिंग एलोवेरा जेल। अब आप चाहो तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, वो खरीद सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप अगर घर पे एलोवेरा ले सकते हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले फेस क्लीन करना है, यू नो एक नॉर्मल क्लेंजिंग करना है, उसके लिए मैंने लिया थोड़ा सा एलोवेरा जेल और मैं लूंगी थोड़ा सा रोज वाटर, यानी कि आप कह लो आधे चम्मच में दो या तीन ड्रॉप्स रोज वाटर डालोगे। गुलाबरी यूज करना चाहते हो गुलाबरी यूज कर सकते हो, घर का रोज वाटर यूज करना चाहते हो तो वो यूज कर सकते हो। और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। अब दूध मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी आप कच्चा दूध यूज करो, और वो भी फुल फैट क्रीम वाला, फुल क्रीम वाला, फुल फैट क्रीम, फुल क्रीम वाला दूध यूज करो। तो ये मैंने अपनी चीज में हाथ में बनाया है, ये देखो हाथ में सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो हमने क्या डाला था, आधा चम्मच एलोवेरा जेल, दो से तीन बूंद रोज वाटर की, और देन उसके अंदर आधा चम्मच फुल क्रीम दूध, ठीक है। अब जस्ट मसाज योर नेक, योर लिप्स, अच्छे से मसाज करना है। जब थोड़ा ये कम पड़े, आपको लगे कि आपको और जरूरत है, तो थोड़ा दूध और लेंगे, एलोवेरा जेल और नहीं लेना हमें। ये जो मैं कर रही हूं, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग मोशन। इससे क्या होता है, आपकी स्किन की जो मसल्स है, ब्लड रेगुलेशन तेज हो जाता है। सो दिस हेल्प्स इन अ प्रॉपर मसाज, स्किन टाइटनिंग में बहुत मदद करता है। उसके बाद आप हाथ ऐसे जोड़ेंगे, फिंगर ऐसे करेंगे, अराउंड योर नोज, योर आईज, थोड़ा प्रेशर देके करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए कि थोड़ा सा जो अपने आईज के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाए, एंड देन वील जस्ट डू इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। ये ऐसा आपने 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए करना है। उसके बाद जस्ट यूज अ नॉर्मल कॉटन टाल, कॉटन हैंकी यूज करें। उसके बाद अब एक नॉर्मल कॉटन टाल लिया है मैंने, सॉरी जरा लाइट चली गई थी, ठीक है। उसके बाद आप आराम से अपना फेस क्लीन करेंगे, नेक के पीछे भी जाएंगे, कान के पीछे भी, सो दिस इज योर स्टेप वन। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक टॉवल है उसको थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा डिप करना है, ठीक है। इससे क्या करना है, हमें अपने फेस को थोड़ा सा स्टीम देना है, सो दैट जो हमारे पोर्स हैं फेस के वो खुल जाएं, और स्क्रबिंग करते हुए आराम से आपके फेस के जो भी क्लॉग्ड पोर्स हैं वो आराम से यू नो डर्ट क्लीन हो जाए। तो ये गर्म टॉवल है,
गर्म पानी में हल्का सा भिगो दिया हमने अपने नोज के आसपास, फोरहेड पे। आप चाहो तो नॉर्मल स्टीमर से भी अपने फेस को स्टीम दे सकते हो। मुझे टॉल ज्यादा पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे से स्टीम देता है, बिल्कुल पास से। थोड़ा सा गर्म और कर लेते हैं इसको, बिल्कुल जलने वाला गर्म मत लीजिएगा, जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जितना आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, तो अब थोड़ा फेस को मैंने स्टीम दे दिया है। ठीक है, अब स्टीम के बाद हम बात करेंगे स्क्रब की। स्क्रब बहुत आसान है, हमें लेना है फिर से आधा चम्मच एलोवेरा जेल। और हमेशा ये याद रखिएगा कि फेशियल करते हुए जब भी आप एलोवेरा जेल हैंडल करेंगे या फेस पे कुछ भी अप्लाई करेंगे, प्लास्टिक या ग्लास यूज करेंगे, मेटल नहीं यूज करेंगे कुछ भी चीज को हैंडल करते हुए, नहीं तो फेस पे एलर्जी हो जाती है। इस एलोवेरा जेल में मैं थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिलाऊंगी, ये मैंने नॉर्मल ब्रू कॉफी पाउडर मिलाया है, तो आप कह लीजिए 1/4 स्पून मैंने इसके अंदर कॉफी पाउडर मिक्स किया है। और इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल। एंड देन ये मिक्सचर है, इसको जरा आपस में मिक्स कर लीजिए। कुछ ऐसा मिक्सचर हो गया है, इसके अंदर कॉफी के ग्रैनुल्स हैं। अब इससे हमें फेस को अच्छे से स्क्रब करना है। मैं पहले अच्छे से ये अपने फेस तक पूरा लेके जाती हूँ, और अपने लिप्स पे भी मैं ये यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कॉफी बहुत हेल्प करती है आपके लिप्स की डेड स्किन को अच्छे से रिमूव करने में, एंड देन उनको बिल्कुल सॉफ्ट करने में। अब मैंने क्या किया, 1 लेयर लगा लिया है, उसके अंदर बाकी थोड़ा सा कॉफी पाउडर और डालूंगी, 1/4 स्पून। और बहुत जरा सा मैंने अब इसके अंदर एलोवेरा जेल लिया है, एंड देन आई जस्ट नाउ स्क्रब माय फेस। कॉफी इज वेरी गुड टू मेक श्योर आपका जो भी फेस पे डेड स्किन है उसको रिमूव करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर हल्के हल्के बहुत हल्के हल्के ग्रैन्यूल्स हैं, तो मेरे फेस को ये इरिटेट नहीं करेंगे, एंड इट विल हेल्प इन क्लियरिंग माय पोर्स। जो भी कुछ भी कहीं पे भी डर्ट वगैरह है, डेड स्किन है या टैनिंग है, उसको रिमूव करने के लिए। सो गो बिहाइंड माई नेक, माई ईयर्स, अब मैं आपको एक मोशंस बताऊंगी जिनसे आप अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं, एंड इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले आप ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, ऐसे सर्कुलर मोशंस में हम स्क्रब कर रहे हैं, ये आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड देन व्हाट यू विल डू इज यू जस्ट टेक योर फिंगर्स लाइक दिस, और इससे जो आपके नोज पे क्लॉग्ड पोर्स होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं, एंड देन यू स्प्रेड योर फिंगर्स लाइक दिस। अब जहां जहां आपको लगता है कि आपको ब्लैकेज वगैरह होते हैं, वहां धीरे धीरे ऐसे से इन्हीं 2 फिंगर्स से स्क्रब कीजिए।
दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, उसी टॉल से, कॉटन के टॉल से ये सब क्लीन करेंगे। ऐसा आपको कम से कम 5 से 7 मिनट करना है अपने फेस पे। पूरा नेक क्लीन करेंगे, सो दिस इज डन। इस टाइम पे दिस इज द बेस्ट टाइम, अगर आप ब्लैकेट्स वगैरह निकालना चाहते हैं, वो टूल वगैरह ब्लैकेट एक्सट्रैक्टर जो आता है आप निकाल सकते हैं। मेरे फेस पे जनरली ब्लैकेट्स वाइटेड्स बहुत रेयरली आते हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ज़रूरत है इस टाइम पे निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने फेस को स्टीम भी दिया था और हमने फेस को स्क्रब भी किया था। नाउ आफ्टर दिस इज डन, दिस इज द टाइम टू मसाज योर फेस, सो दैट यू नो यू गिव your face some time to absorb some good, you know, nourishment, ठीक है। अब हम फिर वही कुछ चीजें लेने वाले हैं, इस टाइम लेने वाले हैं हम थोड़ा सा 1/4 स्पून एलोवेरा जेल, और अब इसके अंदर हम लेंगे हमारे दूध वाली, जो हमने दूध लिया था फुल क्रीम, इसलिए लिया था क्योंकि हमें उसकी मलाई चाहिए। So 1/4 spoon of aloe vera, and then we've added around 1/2 spoon से थोड़ा सा ज़्यादा मलाई। अब इससे हाथों में ऐसे रब कर लीजिए, and then we have to massage our face. अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो जनरली जो हम अमूल फ्रेश क्रीम वगैरह लेते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा इससे कम जा रही हूं क्योंकि मेरे स्टिचेस कल ही खुले हैं। अब नाउ दिस इज द टाइम टू गिव योर बॉडी गुड रिलैक्सेशन। आप पहले आराम से अपने गाल पे सर्कुलर मोशन अपनी फिंगर्स से कीजिए, नोज पे कीजिए, उसके बाद अपनी ये फिंगर्स की टिप्स लीजिए, प्रेस कीजिए यहां पे। सर्कुलर मोशंस में लाइए, उसके बाद अब 2 फिंगर्स लीजिए सेम, अब 3 फिंगर्स, और एक ही मोशन में जाना है हमें, एंड देन वील डू 4। अप यू प्रेस लाइक दिस, ओके। नाउ योर मुट्ठी बनानी है फिस्ट की तरह, और फेस पे धीरे धीरे मसाज करना है। अब चिन पे, आपकी गर्दन पे पीछे जाइए, जो आपको लगे कि ये थोड़ा थिक हो रहा है तो इसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर अपने हाथ में ले लीजिए, इसको थोड़ा सा और मसाज करने के लिए। नाउ अगेन दीज फिंगर्स,
आफ्टर दिस इज डन फिर से हम टॉल लेंगे और टॉल से फेस क्लीन करेंगे। इसे कोई भी एज ग्रुप की लड़कियां कर सकती हैं, कोई भी स्किन टाइप की लड़कियां कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बनाएंगे अपना फेस मास्क। फेस मास्क हमें बनाने के लिए चाहिए फिर से करीबन 1/4 स्पून एलोवेरा जेल, सॉरी मैंने थोड़ा सा दूध वूध गिरा दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिया है 1/4 स्पून ही अपना मलाई और बाकी का बचा हुआ कॉफी पाउडर जो करीबन 1/4 स्पून ही है, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इस टाइम पे जो आप ये कॉफी मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कीजिएगा, इसके अंदर हमें ज्यादा ग्रैन्यूल्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे फेस मास्क। फेस मास्क देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, पैट कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे और अपने लिप्स पे भी लगाऊंगी। जिसकी ड्राई स्किन है वो इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी लगा सकता है, 1/2 चम्मच चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप आराम से इसको नीचे लेके जा सकते हो। फेस पे मैंने इसको टैप करके लगाया है। एंड दैट्स इट। अब इसको सूखने देना है कम से कम 15 मिनट, उसके बाद इसको वॉश कर लेना एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द फर्स्ट टाइम ओनली। आपको हर 15 या 20 दिन के अंदर आप ये रिपीट कर सकते हो क्योंकि हम इसके अंदर यू नो मार्केट की बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, ठीक है। हम घर का फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करेंगे तो उससे उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं रोज वाटर घर का यूज करती हूँ, एलोवेरा जेल आप घर का यूज करें, इस टाइम मुझे मेरे पास था नहीं वरना मैं वो यूज करती। नारियल तेल यूज करें, नारियल तेल बहुत अच्छा है। नारियल तेल नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलिव ऑयल भी बहुत आराम से बहुत अच्छा सूट करेगा, लेकिन याद रखिएगा ड्राई स्किन है तो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दे, वरना 1 या 2 ड्रॉप ही रखें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस अगेन सूट्स ऑल स्किन टाइप्स, ऑल एज ग्रुप्स, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। इट विल गिव यू ग्लास टाइप स्किन बट यू हैव टू मेक श्योर यू डू इट एवरी 15-20 डेज। एंड ये सब चीजें मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन चीजों की आदत है, मेरा फेस में रेगुलरली ये सब चीजें यूज करती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर यू डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू अप्लाई एवरीथिंग ऑन द फेस। ना पैच टेस्ट लोग पूछते हैं कैसे करना है, पैच टेस्ट ऐसे गर्दन के पीछे कोई भी इंग्रीडियंट लगा के देखें, उसको 1 दिन पूरा रहने दीजिए या 24 आवर्स रात को लगा के छोड़ के सो सकते हैं, 2 दिन ऐसे लगातार कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, देन मीन दैट मीन्स इट सूट्स योर स्किन टाइप। बट देन अगेन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू टेक अ डिसीजन यू वॉन्ट टू अप्लाई एवरीथिंग टू योर फेस, बिकॉज दिस मे सूट माई स्किन बट दिस मे नॉट सूट एवरी स्किन टाइप, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, कांच के बर्तन में जो भी फेस पैक बनाना है, क्लेंसिंग मिल्क बनाना है, वो कांच के बर्तन में बनाना है। कोई भी मेटल का स्पून नहीं यूज करना है, प्लास्टिक का चम्मच, वुडन चम्मच या कांच, कांच के चम्मच नहीं आते, प्लास्टिक का चम्मच या वुडन चम्मच यूज करें, ठीक है। कांच की कोई भी चीज हमेशा यूज कर सकते हैं लेकिन मेटल नहीं यूज कर सकते, वरना ये सब चीजें मिक्स करते हैं रिएक्ट करने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। ये जब फेस पैक उतरेगा उसके बाद मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल फेस वॉश से फेस वॉश करना है एंड देन आई कैन अप्लाई माई नॉर्मल मॉइस्चराइजर एनीथिंग लाइक दैट एंड आई एम डन। आई कैन गो टू एनी फंक्शन वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो टू एंड
That was all. Thank you so much for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक आए हैं, तो वीडियो लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है? और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा. छोटे से यूट्यूबर को बड़ा यूट्यूबर बनाने में ज़रूर मदद कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन.